हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड। उम्मीद बहुत बहुत दिनों के बाद मैं अब आज एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई वाज बिजी, आई वाज ऑन माय उमरा, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन उमरा एंड आई वाज इन पाकिस्तान ऑन माय हॉलीडेज। अभी भी मैं पाकिस्तान में ही हूँ तो इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाती वीडियोज बनाने के लिए, लेकिन आई एम कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द मैसेजेस विच आई गेट ऑन इंस्टाग्राम और कॉमेंट्स को भी मैं कोशिश करती हूँ कि जवाब देती रहूँ। जितने लोगों की क्यूरीज होती हैं ऐसी जो कि मैं रिस्पॉन्स क्विकली दे सकूँ वो मैं देती हूँ, बट स्टिल बहुत सारे दिन हो गए थे वीडियो नहीं मैंने अपलोड किया था, तो आई थॉट कि आज अच्छा मौका है, आज एक वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए। और बहुत न्यूज़ मैं देख रही थी अभी रिसेंटली, स्टूडेंट इमिग्रेशन वगैरह से रिलेटेड, तो एक न्यूज़ मैंने देखी है कि जिसमें डिपोर्शन का बहुत ज़्यादा उन्होंने बताया कि जी डिपोर्ट कर दिए हैं स्टूडेंट्स बहुत सारे 60+, और डिलीवरी ड्राइवर्स जो थे वो स्टूडेंट्स थे। तो देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, जो नए अप्लाई करने वाले हैं वो परेशान हो जाते हैं, मुझे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि जी क्या है कैसा है हमें बताएं। तो इसलिए मैं आपको एक बात सिंपल सी ये समझाना चाह रही हूँ कि आप लोग हर खबर के ऊपर यकीन ना किया करें, थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ा सा उसको पढ़ें कि क्या चीज़ हो रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डिलीवरी की जॉब्स हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन उनको लीगली करनी तो अलाउड नहीं होती, क्योंकि कुछ कंपनीज हैं जो कि स्टूडेंट्स को नहीं देती हैं परमिट टू वर्क एज अ डिलीवरी ड्राइवर। अब उसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज इलीगल है, ऑब्वियसली मैं इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करती ना मैं रिकमेंड करती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि लोग जो यहाँ पर सेटल्ड हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं ऑन सम अदर वीजाज, वो अपने नामों से अकाउंट बनाते हैं उबर ईट्स, जस्ट ईट वगैरह के साथ, डिलीवरों के साथ, और वो अपने अकाउंट्स को आगे रेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे डिलीवरी करनी है तो मैं किसी ऐसे बंदे से अकाउंट रेंट पे ले लूंगी जो कि ऑलरेडी यूके में सेटल्ड है, तो मैं समझे उनकी आइडेंटिटी फेक कर रही हूँ और मैं उनकी आइडेंटिटी पे, उनके अकाउंट पे मैं अर्निंग करूंगी। वो मुझसे हफ्ते का 150 पाउंड 200 पाउंड चार्ज करेंगे, टैक्स सारा जो है वो उनके नाम पर कटेगा, और मुझे जो है वो मेरी कैश इन हैंड सेल, मतलब हर हफ्ते मुझे मेरा अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ा इलीगल काम है जो कि आप कर रहे हैं, और अगर आप इस तरीके से कुछ भी करते हो, थोड़ा सा भी इलीगल एक्टिविटी में आप जाते हो, तो फिर रिस्क हमेशा आपके लिए पकड़े जाने का रहता है, और स्टूडेंट जो है वो हमेशा डरा रहता है कि मुझे आज पकड़ेंगे या कल पकड़ेंगे। तो कोशिश करें कि जितना भी आपका स्टे है यूके के अंदर, आप उसके अंदर कोई भी इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि उसके अंदर रिस्क हो जाता है कि आप पकड़े जा सकते हैं। और इसी बात से अब ये जो न्यूज आई कि 60 प्लस स्टूडेंट्स हैं, तो देखें ऐसा कोई कंफर्म बात नहीं है कि 60 स्टूडेंट्स ही थे, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि डिफरेंट मतलब वीजाज के ऊपर थे, बहुत सारे ऐसे थे जो यहाँ से यूरोप से यहाँ पर आते हैं लोग और यहाँ पर आकर सेटल होते हैं सेटलमेंट वीजाज के ऊपर, कुछ वो थे। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर बाइक्स, अब समर आ गया, आपको पता है समर में यहाँ पर बाइक्स चलते हैं, तो बाइक का जो लाइसेंस होता है, मोपेड होता है, वो उस पे लोग डिलीवरीज करते हैं, और क्योंकि वो विंटर्स के महीनों में तो नहीं चलता रोड के ऊपर बाइक, तो जब समर्स में बाइक वगैरह निकलते हैं और रोड्स पे ज्यादा नजर आते हैं, तो पुलिस उनको, जो ट्रैफिक पुलिस होती है, वो जरा एक चेक एंड बैलेंस रखती है। तो अगर वो आपसे आपके लाइसेंस या आपका कोई चीज मांगे और आपके पेपर्स पूरे नहीं है, तो वो आपको रोक लेती है। जब आप रुकते हो तो आपसे वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं, और फिर मतलब आप गए किसी और मकसद के लिए और पकड़ी किसी और चीज में गए, ये चीज हो जाती है कि आप रोड रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे, उन्होंने आपको रोका, पकड़ा, आपसे पूछा, और फिर आपका एक इलीगल काम बीच में से निकल आया और आपको उन्होंने डिटेन कर लिया उसके लिए। तो इसलिए हमेशा हमेशा मैं हर बंदे को ये सजेस्ट करती हूँ कि कोशिश करें कि जितना ज्यादा सिंपल आप अपना स्टे को रखें, जितना ज्यादा आप तरीके से चलें, अच्छे काम करें, इलीगल कोई हरकत मत करें, क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब आपको पता है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं यूके के अंदर, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और उसकी वजह से फिर ये होता है कि अब वो एक चेक एंड बैलेंस रखते हैं। पहले ये बात मशहूर थी कि जी स्टूडेंट्स को तो कोई देखता ही नहीं है और आराम से बस आपने एक दफा वीजा लगवा लिया और उसके बाद आसानी ही आसानी है, लेकिन ऐसा नहीं होता।
अब बहुत ज्यादा वो देखते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट केसेस के अंदर उन्होंने पकड़ा भी है, इन्वेस्टिगेट भी किया है, उनके ऊपर एक उन्होंने नजर भी रखी हुई है। बेशक वो आपको छोड़ भी देते हैं, बेल भी दे देते हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी उनकी एक सर्वेलेंस में रहते हो, वो आपके ऊपर एक नजर रखते हैं कि आपका क्या रिकॉर्ड चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। तो कोशिश करें कि कोई भी ऐसी हरकत ना करें कि जिससे आप पुलिस की नजर में आ जाएं। दूसरा सवाल आजकल जो बहुत ज्यादा मुझे आ रहा है, वो आ रहा है जॉब्स के हवाले से, अकोमोडेशन के हवाले से, कि जी क्या करना है, हमने सितंबर में आना है, तो जॉब्स किस किस्म की हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग, बहुत सारे टॉपिक्स अभी मेरे पास जमा हो गए हैं जो कि मुझसे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं बार बार। तो देखें, जॉब्स का सीन तो वही है जो आज से 2-3-4 महीने पहले था। ठीक है जी, जॉब्स मुश्किल से ही मिल रही हैं, कोशिश करनी पड़ेगी। पहले वाली बात नहीं रही कि आते ही यूके आप अप्लाई करोगे और आपको जॉब मिल जाएगी, या कहीं भी स्टोर पे आप जाओगे और आपको जॉब मिल जाएगी, वो वाले हालात अब नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको जॉब मिलेगी। 2 महीने से 3 महीने का खर्चा आप अपने साथ रख कर लाएं। एक बंदा पर पर्सन, अगर आप ग्लासगो आ रहे हो तो 1500 pounds कम से कम फी बंदा, ठीक है। अगर आप डिपेंडेंट्स के साथ आ रहे हो जैसे हस्बैंड वाइफ हो तो 3000 pounds, अगर आप स्कॉटलैंड आ रहे हो, और यही अगर आप लंदन जाते हो या सेंट्रल लंदन के आसपास जा रहे हो, इंग्लैंड जा रहे हो, तो यही आपके पास कम से कम 4,000 to 5,000 pounds होने चाहिए बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड एवरीथिंग, रेंट सब कुछ। तो ये बात है, ठीक है, आप इतने पैसे लेकर आए क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, आते ही जॉब नहीं मिलती, तो आपके पास इतना एक बजट होना चाहिए कि आप कुछ अपना गुजारा कर सकें। ठीक हो गया जी, तो ये सारी चीजें हैं और मैं इसके साथ साथ और भी वीडियोस बनाती रहूंगी जो कि मुझसे पैकिंग के बारे में लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं पाइपलाइन में, मैंने नोट डाउन कर लिए हैं टॉपिक्स, और अब इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि मेरा अभी जितना भी स्टे रह गया है पाकिस्तान में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ, और आप लोगों को यहाँ का भी सारा कुछ दिखाऊं, और साथ साथ जो सेप्टेम्बर इनटेक वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझे फॉलो करें, उनके लिए भी मैं वीडियोज जो हैं वो बनाती रहूँ, ताकि आप लोगों का जो एक बैकलॉग हो गया है टॉपिक्स का मेरे पास, वो भी कवर हो जाए। तो अभी इस टाइम जो है वो हम जा रहे हैं जी सैर करने, डिफरेंट रिलेटिव्स हैं मेरे हस्बैंड के यहाँ पर पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के एरिया में, तो हम आजकल उम्रे से वापस आने के बाद सबके पास जा रहे हैं मिलने के लिए, क्योंकि आते ही मैं नहीं गई थी किसी को भी मिलने। तो यही बस आजकल एक्टिविटीज हैं, खाना पीना, रेस्ट करना, और जो है बहुत प्रोटोकॉल मिल रहा है, बहुत आपको अच्छा लगता है जब आप आते हो, छुट्टी थोड़े से दिन होते हैं, पहले आने की जल्दी थी, फिर उम्रे पे चले गए, अब बस वही हो रहा है कि अब 2 हफ्ते में 1.5 हफ्ते में वापस जाना है, तो ऐसे ही छुट्टी गुजर जाती है और पता भी नहीं चलता। एक साल से आप प्रिपेयर कर रहे होते हो कि हमने वापस जाना है, पाकिस्तान जाना है, हॉलीडे पे जाना है, और फिर हॉलीडे आता है और खत्म हो जाता है। So stay tuned, take very good care of yourself. I will try to keep all of you updated, make daily videos, if not daily, every other day, so that you guys keep updated and keep informed. I wanted to touch this topic because this is very important and students start panicking really soon. जैसे ही उन्हें कोई खबर मिलती है तो students जो हैं वो panic mode में चले जाते हैं कि पता नहीं क्या होने लगा है। तो ये जरूरी था इस पर video बनाना, इसलिए आज मैंने बनाया है, और I hope आप लोग सब ठीक होंगे। दुआओं में याद रखें, make good choices, make wise decisions, and I will see you guys very soon in another video. Bye bye.